नमस्कार, मैं हूं प्रिया। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं बिहार की अब तक की बड़ी खबरों को। पटना में 10 वरिष्ठ आईएएस को मिली अतिरिक्त जिम्मेदारी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर से राज्य में सरकारी योजनाओं को तेजी से पूरा करने की तरफ अपने कदम बढ़ाए हैं, जिसके तहत उन्होंने 10 जिलों में नए प्रभारी सचिव की नियुक्ति कर दी है। इस बाबत मुख्यमंत्री ने पहले भी राज्य के प्रत्येक जिले में प्रभारी सचिव की नियुक्ति कर दी है। मुख्य सचिव ने बीते दिनों सरकारी योजनाओं की समीक्षा के दौरान जिलों के उच्च अधिकारियों के दौरे में ही इस बात का ऐलान कर दिया था, जिसके बाद अब सप्ताह में 2 दिन राज्य के ये वरिष्ठ अधिकारी अपने प्रभावित जिले का दौरा करने वाले हैं। राज्य में चलने वाले विकास योजनाओं और जन कल्याणकारी कार्यक्रम की सघन समीक्षा की जिम्मेदारी इन अधिकारियों पर ही होगी। बिहार में कल से न्यूनतम तापमान में दिखने को मिलेगा बदलाव। बिहार में ठंड की मार का अब लोगों को सामना करना पड़ सकता है। जानकारों की माने तो बिहार में कल से न्यूनतम तापमान में गिरावट देखने को मिल सकती है, जिसके बाद बिहार वासियों को और ज्यादा ठंड का सामना करना पड़ सकता है। मौसम विज्ञानियों की माने तो पटना सहित पूरे बिहार में बुधवार से मौसम कुछ साफ रहने वाला है। न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट देखने को मिलने वाली है। पूर्वा हवा काफी मात्रा में नमी लेकर आया था, जिससे न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिली थी। देश के अन्य हिस्सों में जहां बारिश और शीतलहर का प्रभाव है, वहीं बिहार में मौसम खुशनुमा बना हुआ है। मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से जारी किए गए जानकारी के अनुसार सूबे में बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की ओर से हवाएं नमी लेकर आ रही है। नल जल योजना के तहत लगाए जाएंगे प्रीपेड बिजली मीटर। बिहार वासियों को बिजली की परेशानी से बचाने के लिए ही हर घर नल का जल निश्चय योजना में बिजली बिल का भुगतान और कनेक्शन कटने की समस्या ना आए, इसको लेकर कई अहम निर्णय ले लिए गए हैं। इसके तहत ही नल जल योजना में प्रीपेड मीटर लगाने और जिला स्तर पर एकमुश्त बिजली बिल का भुगतान करने पर पंचायती राज विभाग और बिहार विद्युत वितरण कंपनी के बीच सहमति बनी है, जिसके बाद जल्द ही इस पर अंतिम निर्णय लेकर जिलों को दिशा निर्देश जारी कर दिया जाएगा। विभाग से मिली जानकारी के अनुसार नल जल योजना में इस्तेमाल की जा रही बिजली के बिल भुगतान में कई तरह की व्यावहारिक कठिनाइयां आ रही है। बिजली बिल का भुगतान समय पर नहीं होने से कनेक्शन काटने की भी नौबत आ रही है। फिल्मी पर्दे पर दिखेगी मशहूर रचनाकार फणीश्वर नाथ रेणु की संवादियां। हिंदी साहित्य को मैला आंचल, परती परिकथा, ठुमरी जैसे कई अविस्मरणीय कृतियां देने वाले विख्यात आंचलिक कथा शिल्पी फणीश्वर नाथ रेणु के चाहने वालों के लिए खुशखबरी, जल्द ही उनकी बहुचर्चित कहानी संवादिया सिनेमा के रुपहले पर्दे पर दिखने वाली है। कोलकाता के साहित्यिक सांस्कृतिक संस्थान नीलांबर रेणु की कहानी संवादिया पर इसी नाम से फिल्म का निर्माण कर रही है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, यह फिल्म 4 मार्च 2021 को रिलीज करने की तैयारी जारी है। बिहार में यूरिया की हो रही कालाबाजारी से बढ़ी परेशानी। बिहार में खाद की कालाबाजारी रुकने का नाम नहीं ले रही है। इसी को रोकने के लिए खरीफ में चले अभियान का असर रबी तक भी नहीं टिक सका है। नतीजतन गेहूं की सिंचाई कर चुके किसान ऊंची कीमत देकर यूरिया खरीदने को विवश हो चुके हैं। इतना ही नहीं, उनकी लागत भी बढ़ती जा रही है। गेहूं की बुआई तो किसान मिक्सचर खाद के साथ करते हैं, लेकिन पहली सिंचाई के साथ ही यूरिया की मांग भी तेज हो गई है। वहीं दूसरी तरफ केंद्र सरकार ने नवंबर और दिसंबर में ही यूरिया की आपूर्ति कम कर दी थी। हालांकि मुख्यालय की समीक्षा के दौरान सभी डीलरों के पॉश मशीन में खाद का स्टॉक दिख रहा है। आज बिहारी बर्थडे स्पेशल में हम बात करेंगे सैयद सईद अख्तर रिजवी की। ट्रैवलर शिया विद्वान थे, जिन्होंने पूर्वी अफ्रीका में इस्लाम को बढ़ावा दिया था। उन्हें 14 ग्रैंड आयतुल्लाह द्वारा रिवावत कज़वाह और उमरे हस्बिया के लिए प्राधिकरण दिया गया था। रिजवी का जन्म 1927 में भारत के बिहार राज्य के सारण जिले के उशीरी में हुआ था। उनके पिता सैयद अब्दुल हसन रिजवी थे और जो मौलाना भी थे। उनके 5 बेटे और 2 बेटियां थी। उनके दूसरे बड़े बेटे सैयद मोहम्मद रिजवी कनाडा के टोरंटो में रहते हैं। मुजफ्फरपुर पहुंचे डिप्टी सीएम ने सरकार के काम करने की कही बात। बिहार सरकार ने सत्ता संभालते ही 7 निश्चय पार्ट 2 पर काम शुरू कर दिया। वहीं बिहार में उद्योग को बढ़ावा देने के लिए भी लगातार काम हो रहा है, जिसके कारण ही बिहार आत्मनिर्भर बनने की तरफ बढ़ रहा है। इसी क्रम में बीते दिन बीआरए बिहार विश्वविद्यालय की सीनेट हॉल में राय ड्यूटीन फाउंडेशन की तरफ से आयोजित सम्मान सह स्वागत समारोह में उपमुख्यमंत्री रेणु देवी ने अपना बयान जारी करते हुए कहा है कि जितना विकास बेतिया का होगा, उतना ही विकास मुजफ्फरपुर का भी होने वाला है। शहर को विकसित करने के लिए जो भी योजना चल रही है, उसे आगे जरूर बढ़ाया जाएगा। मुजफ्फरपुर के विकास के लिए हर संभव मदद की जाएगी। आपके बिहार प्रभारी संजीव झा पहुंचे पटना। आम आदमी पार्टी के नवनियुक्त बिहार प्रभारी संजीव झा बीते दिन पटना पहुंच चुके हैं। यहां हवाई अड्डे पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। प्रदेश अध्यक्ष सुशील सिंह, हालांकि उनके स्वागत में
सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ वहां मौजूद रहे थे। बिहार प्रभारी बनने के बाद संजीव झा पहली बार पटना पहुंचे हैं। हवाई अड्डे से संजीव झा पटना जंक्शन स्थित हनुमान मंदिर गए और दर्शन पूजन उन्होंने किया। फिर वो पार्टी के किदवईपुरी स्थित दफ्तर गए, वहां सभी जिला प्रभारी और कार्यकर्ताओं से एक एक कर मुलाकात की और उनसे बातचीत की। मंगलवार को भी वो दोपहर तक कार्यालय में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से मिलेंगे। प्रदेश मीडिया प्रभारी वी राज बाबुल ने यह जानकारी दी है। डिप्टी सीएम बनने के बाद पैतृक गांव पहुंचे तारकिशोर। बिहार के उप मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी उठाने के बाद पहली बार बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद अपने पैतृक गांव पहुंचे थे, जहां पहुंचकर उन्होंने अपनी चाची के अंतिम संस्कार का हिस्सा बने। उप मुख्यमंत्री ने निर्धारित समय पर हवाई मार्ग से पटना से सलखुआ पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने पार्टी नेताओं और अधिकारियों से बातचीत भी की। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, बिहार के उप मुख्यमंत्री अपनी चाची के गुजर जाने के बाद पहली बार अपने पैतृक गांव पहुंचे थे, जहां पहुंचकर उन्होंने अपनी चाची शांति देवी की अंत्येष्टि कार्यक्रम में हिस्सा भी लिया। इसी दौरान उन्होंने कहा कि गांव का उन पर ऋण है और इस इलाके का समुचित विकास कर उसे चुकाऊंगा। बिहार कांग्रेस प्रभारी पद से मुक्ति चाहते हैं गोहिल। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शक्त सिंह गोहिल ने बिहार के प्रभारी पद से मुक्ति की इच्छा जताई है, जिसकी जानकारी उन्होंने खुद सोमवार को दी है। उन्होंने पार्टी नेतृत्व से आग्रह किया है कि उन्हें इस दायित्व से मुक्ति दे दी जाए और उन्हें कोई हल्की जिम्मेदारी सौंपी जाए। इस बाबत राज्यसभा सदस्य ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि निजी कारणों से मैंने कांग्रेस आलाकमान से गुजारिश की है कि मुझे कोई हल्की जिम्मेदारी सौंपी जाए और बिहार के प्रभार से मुक्त किया जाए। आपको बता दें, हाल ही में हुए बिहार विधानसभा चुनाव में राजद और वामदलों के साथ गठबंधन में 70 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली कांग्रेस को महज 19 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। पप्पू यादव ने वैक्सीन पर जताया भरोसा। जाप प्रमुख पप्पू यादव ने हाल ही में जाप के सदस्यों को लेकर अहम बात कही है। इतना ही नहीं, उन्होंने वैक्सीन पर भी भरोसा जताया है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि देश के सभी नागरिकों को वैक्सीनेशन के बाद जाप के सदस्यों को भी टीका लगवाया जाएगा। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जब तक देश के नागरिकों को टीका नहीं लग जाता, तब तक जाप का एक भी सदस्य टीका नहीं लगवाएगा। सरकार ने पहले कहा था कि सभी को टीका देंगे और अब 1 से 2 करोड़ पर आ पहुंचे हैं। भाजपा बिहार के 13 करोड़ लोगों को टीका देने का अपना चुनावी वादा पूरा करे। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, सोमवार को राजधानी पटना में उत्तरी मंदिर स्थित पार्टी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी। इसी दौरान उन्होंने यह बातें कही है। सुशील मोदी ने लालू परिवार पर साधा निशाना। लालू परिवार के विरोधियों में शामिल राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने एक बार फिर से सोशल मीडिया के जरिए निशाना साधा है, जिसके तहत उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर सांसद मोदी ने कहा है कि लालू को देश की न्यायपालिका पर पूरा भरोसा नहीं है, इसलिए वो हर बार की तरह इस बार भी घर पर तांत्रिक बाबाओं को बुलाने का काम कर रहे हैं। राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने कहा है कि चारा घोटाले में सजायाफ्ता लालू यादव ने आधी सजा भी जेल में नहीं काटी, इसलिए कोर्ट ने उनकी जमानत की अर्जी खारिज कर दी है। उनकी पार्टी के अनुभवहीन वंशवादी उत्तराधिकारियों को बिहार की जनता ने लगातार 2 चुनाव में नकार दिया है। वो तांत्रिक से पूछकर कुर्ते का रंग तय करते हैं, लेकिन ये नहीं पूछते कि किसी गरीब को कुली चपरासी की नौकरी देने के बदले उसकी जमीन लिखवानी चाहिए या नहीं। इंग्लैंड के श्रीलंका और भारत दौरे को लेकर नासिर हुसैन ने की भविष्यवाणी। भारतीय टीम इन दोनों ऑस्ट्रेलियाई दौरे पर है, जहां भारतीय टीम 2 मैच खेल चुकी है। इंग्लैंड क्रिकेट टीम श्रीलंका पहुंच चुकी है, जहां उसे इसी महीने 2 टेस्ट मैच खेलने हैं। इसके बाद इंग्लैंड क्रिकेट टीम भारत रवाना होगी। फरवरी से मार्च के बीच में टीम को 4 टेस्ट, 5 T20 इंटरनेशनल और 3 वनडे इंटरनेशनल मैच की सीरीज खेलनी है। इंग्लैंड के इन दोनों दौरों को लेकर पूर्व कप्तान नासिर हुसैन ने अपना प्रिडिक्शन बताया है। क्रिकेटर से कमेंटेटर बने हुसैन की माने तो श्रीलंका में इंग्लैंड टीम जीत दर्ज कर सकती है, लेकिन भारत में उनके लिए चीजें आसान नहीं होंगी। अगर इंग्लैंड को भारत में जीतना है तो एक स्पिनर को वैसा करना होगा जैसा ग्रिम स्वान और मॉन्टी पेंसर ने किया था। दिलजीत और कंगना के बीच एक बार फिर शुरू हुआ ट्विटर वॉर। किसान आंदोलन को लेकर अभिनेत्री के बयान पर दिलजीत दोसांझ ने कई बार अपनी प्रतिक्रिया दी है। वहीं अब एक बार फिर से ये दोनों सितारे ट्विटर पर एक दूसरे से भिड़ते नजर आए हैं, जिसके तहत दिलजीत ने ट्विटर पर पंजाबी में लिखा है, पंजाब के साथ उनका विश्वास, निष्ठा और प्यार हमेशा से था और बना रहेगा। कंगना, आप अपने बारे में गलत धारणाओं के साथ मत रहिए। यह मत सोचिए कि पंजाबियों के साथ आपने जो किया है वो उसे भूल गए हैं। जिसके जवाब में कंगना ने लिखा, वक्त बताएगा दोस्त कौन किसानों के हक के लिए लड़ा और कौन उसके खिलाफ। तुझे क्या लगता है तेरे कहने से पंजाब मेरे खिलाफ हो जाएगा? इतने बड़े बड़े सपने मत देख, तेरा दिल टूटेगा। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है। आपके अनुसार बिहार सरकार को ठंड के इस माहौल में सड़क किनारे रहने वाले लोगों को ठंड से बचाने के लिए कौन कौन से कदम उठाने चाहिए? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।